पाली जिला जाट समाज पुणे में 12वां वार्षिक सम्मेलन एवं महाशिवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक शंकरलाल चौधरी एंड पार्टी द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी गई। वे जैतारण के सुप्रसिद्ध गायक अशोक कुमार ने गुरु महिमा के साथ अनेक भजनों की प्रस्तुति दी एवं 12वां वार्षिक सम्मेलन में युवाओं की टोली के साथ रंग बिरंगे राजस्थानी परिधानों में सजे धजे वृद्धों, महिलाओं और बच्चों का समूह और भंजन नृत्य मंडली के कलाकारों द्वारा पारंपरिक राजस्थानी नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति के उल्लासमय वातावरण में श्रद्धा व भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। दिन भर चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य परिवार शामिल हुए। श्री महादेव जी की पूजा अर्चना, स्तुति व महामंगल आरती के साथ वार्षिक समारोह का पाली जिला जाट समाज के चेयरमैन किशोर जाखड़ ने अध्यक्षीय भाषण में समारोह में पधारे अतिथियों तथा समाज के सभी लोगों का पाली जिला की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से मेलजोल तो बढ़ता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी व बच्चों को समाज की जानकारी मिलती है। हम व्यस्तताओं के चलते अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि असली पूंजी तो ये ही बच्चे हैं। बच्चों का भविष्य यदि सुधरेगा तो हमारा जीवन सार्थक होगा। समाज की गतिविधियों की जानकारी दी और कहा गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इस दौरान बीच बीच में बोलियों का कार्यक्रम भी चलता रहा, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर राजस्थानी नवयुवक मंडल के सचिव बोरा राम सिरवी, चारण समाज के सचिव सुखदेव सिंह चारण, युवा नेता जनप्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर चेयरमैन किशोर जाखड़, उप चेयरमैन जगदीश राम पलोदा, भागीरथ दुक्तावा, ओम प्रकाश पलोदा, भगाराम हुड्डा, रमेश भोगियान, मूलाराम सायल, घिसाराम गोंद्रा, शंकर भोगियान एवं समाज के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पुणे महाराष्ट्र से राजू प्रजापति की रिपोर्ट। शिवरात्रि के पर्व पर पाली जिला जाट समाज सभी भाइयों और जातियों का हार्दिक स्वागत करता है। जो कार्यक्रम था उसे सफल बनाने के लिए पाली जिला जाट समाज की ओर से सभी भाइयों को, जातिबंधुओं को, हमारे समाज के जो कमेटी बंधु है, भागीरथ जी गुप्ता, दीदी जी पड़ोदा, ओम जी पड़ोदा, रमेश जी भोगिया, मूलाराम जी सायल, ईसाराम जी पड़ोदा, चेतन जी भोगिया, सबको मेरी ओर से धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब भाइयों को आगे सर। पाली जिला जाट समाज के समस्त भाइयों को मेरा प्रणाम। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपने ये आयोजन किया और इस आयोजन में अचानक आने का सौभाग्य मिला आपके बीच में। और जैसे यहाँ पर आए भाई बहरा राम जी ने स्पेशली फ़ोन करके बुलाया, थोड़ा लेट हो गया। चाकण में जाट समाज के कार्यक्रम में मैं कल रात को 1 बजे से ही था, लेकिन वहाँ पर टाइम लग गया इसलिए इधर आने में लेट हो गया। सभी भाइयों से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग और विशेष तौर से सभी जाट समाज लगभग 40 साल से राजस्थान से यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, तरक्की कर रहे हैं, खुद की तरक्की कर रहे हैं और जिस परिसर में जिस काम से आए वहाँ के लोगों की भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जाट समाज के कुछ लोग आज से 300 साल पहले महाराष्ट्र में आए हुए हैं और आज से ही महाराष्ट्र के लोगों का संबंध, जाट समाज के लोगों का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। अभी कल ही महाराजा सूरजमल जी का जन्मदिन हुआ, आप लोगों ने उसकी चर्चा की होगी क्योंकि महाराज सूरजमल जी का यहाँ पर फोटो है। 13 फरवरी को महाराज जी सूरजमल का जन्मदिन था, तो उनका महाराष्ट्र के ऊपर, मराठी लोगों के ऊपर इतना उपकार था। जब पानीपत के तीसरे युद्ध में
मराठाओं की फौज हार गई थी, लगभग 1,00,000 मराठा मर गए थे, कट गए थे। नजीब उसके साथ लड़ते हुए तो अपने महाराजा सूरजमल जी ने भरतपुर से बचे हुए मराठाओं की औरतें बची थी, कोई बुजुर्ग लोग बचे हुए थे, कोई सैनिक बचे हुए थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको इनाम दे करके और हजारों जाट फौजियों के साथ में संरक्षण में उनको महाराष्ट्र भेज करके सुरक्षित रूप से उनको महाराष्ट्र पहुंचाया था। उस जमाने में जब बचे हुए लोगों को लूटने की परंपरा थी, लूटा जाता था, लेकिन उनको यहाँ पर पहुंचाया, इतना बड़ा उपकार महाराज जी सूरजमल का महाराष्ट्र के ऊपर है। महाराज सूरजमल का नहीं, जाटों का है, लेकिन उसका इनाम भी जाटों को बहुत अच्छा दिया है। महाराष्ट्र में उस जमाने में 1-1 साल लगते थे भरतपुर।